ESPN 9 न्यूज, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम में आज मैं बात करूंगा शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा की। जी हाँ, बीजेपी के दिग्गज नेता कह सकते हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता शत्रुघ्न सिन्हा की। शत्रुघ्न सिन्हा आए दिन पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं, बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं, और पहला मौका नहीं है जब उन्होंने पीएम मोदी को सलाह दी है कि आप अपनी पद की मर्यादा बनाए रखिए। जी हाँ, उन्होंने नसीहत दी है, और जैसा कि हम बोल रहे हैं कि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी शत्रुघ्न सिन्हा ने कई बार पीएम मोदी को घेरा है। चलिए मैं रिपोर्ट्स की तरफ रुख कर लेता हूं कि जी हाँ, आपको बता दूं कि बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, और इसी के साथ उन्होंने पीएम मोदी को सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को प्रधानमंत्री की मर्यादा और गरिमा बनाकर रखनी चाहिए। अक्सर पार्टी से अलग रुख अपनाने वाले सिन्हा ने कई ट्वीट भी किए। उन्होंने ट्वीट में मोदी को टैग किया और कहा, प्रधानमंत्री बनने से कोई बुद्धिमान नहीं बन जाता। जी हाँ, आपको बता दूं, ऐसा पहला मौका नहीं है, जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने चौकीदार को लेकर प्रधानमंत्री पर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि श्रीमान जो है धन शक्ति के बावजूद जन शक्ति प्रबल होगी। उन्होंने ये बात की, देखिए बीते दिनों उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कर्नाटक चुनाव को लेकर बात की थी कि धन शक्ति के बावजूद जन शक्ति होगी, यानी कि अपनी बात उन्होंने कही। और आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है, ये कहीं ना कहीं अक्सर शत्रुघ्न सिन्हा अपनी नाराज़गी जाहिर करते रहते हैं, और बीते कुछ समय पहले भी उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। और क्या कहा था, देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने बीते दिनों पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि देश के गरीब और मध्यम वर्ग के करोड़ों लोगों ने बैंक में लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपने पैसे जमा करवाए थे और अपनी जन्म कुंडली सौंपी, मगर उनके जमा पैसे लेकर कोई बाहर भाग गया। उन्होंने लोन देने वालों को नसीहत दी है कि कभी छोटे मोटे लोन नहीं लेने चाहिए। उन्होंने लिखा कि हमेशा हजारों करोड़ का लोन लेना चाहिए, इससे कई पावरफुल लोग पीछे मदद करने और रक्षा करने को तैयार रहेंगे। सोशल मीडिया अकाउंट पर बीजेपी नेता ने लगातार दो ट्वीट कर यह तंज कसा था। उन्होंने यह भी लिखा था कि देश में जिस तरह बड़े कारोबार बंद हो रहे हैं, उससे तो लगता है कि सिर्फ पकौड़ा बेचने वाले ही यहाँ पर रह जाएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया भी दी। एक यूजर ने लिखा था कि सर जी, आप कुछ आशावादी कह रहे हैं। आपको बता दूं कि बहुत से लोगों ने ट्वीट कर शत्रुघ्न सिन्हा का धन्यवाद भी किया था, इतना ही नहीं शत्रुघ्न सिन्हा का पक्ष भी लिया था। आपको बता दूं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने इससे पहले भी कई बार बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दूं कि बीते कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी बातचीत में कहा था कि संसद में केवल जुमलेबाजी होती है और बेफजूल बातें की जाती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बातचीत में ये भी कहा था कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी लोगों को धोखा दे रहे हैं, ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कामकाज कुछ हो नहीं रहा है, 4 साल सरकार को हो चुके हैं, लेकिन केवल आश्वासन दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि नरेंद्र मोदी, उन्होंने लोगों को धोखा दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब उनके पास वक्त कम बचा है, क्योंकि अगर वो सही ढंग से काम नहीं करते हैं तो उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगेगा। इतना ही नहीं, जनता अपना जवाब भी दे देगी। तो जैसा कि शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बात कही, उन्होंने मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को टैग करते हुए लिखा, मुझे एक स्टार प्रचारक के तौर पर आमंत्रित नहीं किया गया, जैसे बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात जैसे राज्यों में नहीं किया गया, कारण हम सभी को पता है। उन्होंने कहा, मैं नम्रता पूर्वक एक पुराने मित्र, शुभ चिंतक और पार्टी समर्थक के तौर पर सुझाव देता हूं, हमें सीमा पार नहीं करनी चाहिए, हमें निजी नहीं होना चाहिए, मर्यादा बनाए रखते हुए मुद्दों को रखना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री की मर्यादा और गरिमा बरकरार रहनी चाहिए, नसीहत दी है कि आप अपनी मर्यादा में रखिए। और जैसा कि कर्नाटक चुनाव की बात की थी उन्होंने कि जन बल बहुत ज़्यादा होता है, धन बल नहीं। और आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि आज कर्नाटक में चुनाव है। जी हाँ, जिस घड़ी का राजनीतिक पार्टियों को काफ़ी समय से इंतजार था, जिस चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों की, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कांग्रेस, बीजेपी और
कई और जो पार्टियां हैं वो उन्होंने तमाम कोशिशें की थी जैसा कि देखने को मिला था। तो ये अब वक्त आ गया है और आज वोटिंग है जैसा कि हम बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वोटिंग के बाद जैसा कि यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है कि जो वोटिंग है वो सही हो रही है और जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने बात कही थी। लेकिन अब नतीजों की बात करते तो 15 मई के जब नतीजे आएंगे 15 मई को तो साफ हो जाएगा कि आखिरकार कौन जीता और कौन हारा, यानी कि कौन शेर है और कौन बब्बर शेर। जी हाँ, ये है देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि शत्रुघ्न सिन्हा अक्सर अपनी नाराज़गी जाहिर करते रहते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने नोटबंदी को लेकर बोला था और इतना ही नहीं, कुछ समय पहले उन्होंने नीरव मोदी ने जिस तरह से, अगर हम बात करते हैं, नीरव मोदी पैसा लेकर फरार हो गया था उस पर भी शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि चौकीदार जो है सोते रह गए और जो चोर हैं वो पैसे लेके भाग गए। जी हाँ, इस तरह की बातें कही थी। तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि ये पहला कह सकते हैं पहला मामला नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा ही नहीं, बीजेपी के कई और नेता ऐसे हैं जो बीजेपी को पसंद नहीं करते। जी हाँ, हम सही बोल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के कई और नेता ऐसे हैं, सांसद ऐसे हैं जो बीजेपी से ही खुश नहीं है, अपने पार्टी के कामों से खुश नहीं है। दरअसल उनमें एक नाम जैसा कि हम बात करते हैं उमा भारती का भी है, क्योंकि अगर हम उमा भारती की बात करते हैं तो कुछ समय पहले उमा भारती ने भी एक बयान दिया था। उमा भारती ने यहाँ पर कहा था कि आजकल की जो राजनीति हो रही है पार्टी के अंदर वो चमचागिरी राजनीति हो रही है, यानी कि जो चमचागिरी करता है उसको ऊपर बिठा दिया जाता है और जो सच्चाई और ईमानदारी से काम करता है उसे नीचे रहने दिया जाता है। तो इस तरह की इशारों में बात हम कह सकते हैं कि उमा भारती ने कही थी। एक नाम और है, जी हाँ, बीजेपी के सांसद सावित्री भाई फुले की अगर हम बात करते हैं तो उनका भी नज़र आता है कि वो अक्सर बीजेपी के खिलाफ बोलती रही हैं और वो कहीं ना कहीं इससे साफ नज़र आता है कि इनके अपने ही नेता और सांसद बीजेपी से खुश नहीं, तो जाहिर सी बात है जनता से कहाँ खुश रहेंगे। तो जी हाँ, जाहिर सी बात है कि तो बीजेपी यानी कि तो कहाँ से जो है जनता को खुश कर पाएगी, कहाँ से उनकी बातों को मान पाएगी जब उनकी अपने ही पार्टी की लोगों की बातें नहीं मानी जाती। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। एक तो पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है, हमारी पार्टी जो है ईमानदारी के साथ काम करती है, सभी की बात मानी जाती है, तमाम तरह की बातें उन्होंने कुछ समय पहले भी कही थी, ऐसा कहते आए हैं। लेकिन अगर जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि वहीं जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा हो या फिर सावित्री भाई फुले हों, उमा भारती हों, और साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ यही नहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जी हाँ, आपको याद ही होगा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बारे में हम आपको जानकारी भी दे देते हैं कि कुछ समय पहले ऐसे देखने को मिला था, और हालांकि अभी भी कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के कामकाज से खुश नहीं रहते, योगी आदित्यनाथ के कामकाज से खुश नहीं रहते। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं एक इस और इशारा करती है कि बीजेपी के अपने ही नेता और बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है पार्टी से खुश नहीं है, यानी कि पार्टी जो है उनकी बात को मानती नहीं है, अपनी बात चलाई जाती है, तो इस वजह से वो अपनी नाराज़गी जाहिर करते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। अगर मैं बात करूँ कि लोकसभा चुनाव की और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ भी चुनाव के दौरान असर पड़ सकता है। यूपी में दो उपचुनाव हैं, दो सीटों पर कैराना, नूरपुर, उस पर फर्क पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी के अपने ही नेता जब पार्टी से खुश नहीं तो जाहिर सी बात है वो काम कहाँ से करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये चीज़ मुसीबत बन सकती है और इससे बीजेपी को चुनाव के दौरान झटका भी लग सकता है। लेकिन अगर मैं जैसा कि बात कर लेते हैं कर्नाटक चुनाव की थोड़ा सा तो जानकारी आपको ये दे दें कि कर्नाटक चुनाव का जो मुकाबला है वो दिलचस्प है और जैसा कि वोटिंग भी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि
जिस तरह से राहुल गांधी की अगर हम बात कर लेते हैं, राहुल गांधी ने एक काफ़ी अपना एक अलग यहाँ पर प्रदर्शन किया, बेहतर प्रदर्शन किया गुजरात की तरह, तो कहीं ना कहीं इस बात जो एग्जिट पोल की हम बात करते हैं, कुछ एग्जिट पोल जब आए थे तो उसमें बताया जा रहा था कांग्रेस जीतेगी। हालांकि 15 मई को इस बात का फैसला होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल के दावे थे और जिस तरह से राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ रैली की, तो कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ सकता है, और कितना फ़र्क पड़ेगा ये बाद में पता चलेगा। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।